हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मैं हूं मोहम्मद मुकीम शेख। इस समय हम हैं घाटकोपर के पंखेशा दरगाह पर और हमारे साथ है मुंबई की बहुत ही मशहूर शख्सियत जनाब मोहम्मद शरीफ खान साहब, जो मुंबई कांग्रेस के महासचिव हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज इनका यहाँ पर किस मकसद से आना हुआ। सबसे पहले मैं आज ये कई 100 साल उर्स के मौके पर सभी अवामन नास को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हज़रत सैयद तजम्मुल हुसैन उर्फ पंखेशा बाबा का आज 100 साल उर्स है। इस उर्स के मौके पर हम सभी लोग यहाँ पर उनकी दुआएं और यहाँ पे उनसे फैजयाब होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को और यहाँ के इंतज़ामिया को, ख़ासकर इनकी जो कमेटी है, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम इस 100 साल उर्स और जश्न में किया है। उनको ढेर सारी मुबारकबाद। जैसा कि ये 100 सालाना उर्स है और इसी समय पर आचार संहिता लग गया है, तो आप मुंबई कांग्रेस के महासचिव हैं, सियासी बहुत ही आप सूझबूझ रखते हैं, तो आपके हिसाब से आपने, मैंने देखा भी, मैंने वीडियो भी शूट की कि आपने बहुत ही अकीदत की चादर बाबा के मज़ार पर पेश की, तो आपने जाहिर सी बात है कि उनसे कुछ दुआएं मांगी होंगी देश के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल, मैंने दुआएं तो मांगी अल्लाह की बारगाह में हजरत तजम्मुल हुसैन के वसीले से कि आने वाला दिन हमारे लिए, खासकर आलम इस्लाम के लिए और पूरे भारत के लिए अच्छा हो, बेहतर हो, खुशी भरा हो और एकता भरा हो, यही दुआएं मैंने यहाँ पे की है, ताकि हजरत के वसीले से हम अल्लाह ताला की बारगाह में एक दुआ हमारी कबूल हो और सभी को इसका फैज़ मिले और फ़ायदा मिले। मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि ये सियासी जगह नहीं है, इसके लिए मैं आपसे सियासी सवाल नहीं करूँगा। आप जो भी आपके पार्टी के लोग हैं या मुंबई और जो देश की जनता है, आने वाले समय में आप हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ के माध्यम से आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि यूनिटी बनाए रखिए, एकता बनाए रखिए, और एकता में ही अनेकता होती है। अगर एकता होगी तो देश चलेगा, अगर हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा तो देश साथ चलेगा। यही एकता और अखंडता हमारी भारत की पहचान है। चाहे हमने 1947 में अंग्रेज़ों को जब यहाँ से खदेड़ा था, तो यही यूनिटी ने ही अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। और मुझे ये कहना पड़ रहा है बड़ी मजबूरी में कि आज देश की जो हालात है, आज जो देश हमारा इतने निचले स्तर पर जा रहा है, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो फिर युवाओं से जुड़ा हुआ मसला हो, कोई भी मरहले पे आप देख लीजिए, हमारा देश काफ़ी पीछे जा रहा है। तो मैं यही दुआ करूँगा आज के इस खुशनुमा मौके पर कि भाई देश के अंदर एकता कायम रहे, ख़ासकर हम मुसलमानों पर, ख़ासकर कश्मीरियों पर, पूरे हिंदुस्तान पर, आलम इस्लाम पर, हम लोगों को सबको एकता के साथ रहना चाहिए। और आने वाले दिनों में सोचना होगा कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ खड़े रहना है और किस तरह से चलना है, इसके बारे में भी सबको सोचना होगा। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और आने वाले दिन में जो चुनाव हो रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में, उसमें आप लोगों को एक अहम रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से देश की GDP गिरते जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, कारोबार बंद हो रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, उसके बारे में भी अब उनको सोचना पड़ेगा। सियासी पार्टी तो हमेशा आपके बीच आती है, बातें रखती है, लेकिन जब वोट में आप उसको कन्वर्ट करते हो तो आप कहाँ खड़े रहते हो, ये अब आपको, आम लोगों को, जनता को सोचना होगा। यही मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुंबई कांग्रेस के महासचिव जनाब मोहम्मद शरीफ खान साहब ने आप लोगों को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि देश की एकता और अखंडता के लिए हम सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करना चाहिए, यही इन्होंने मैसेज दिया है। बहुत बेहतरीन मैसेज दिया है भाई। आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपना वक्त इसी तरह देते रहें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।